स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लेंथ्स ऑफ कर्व्स, यानी कि रेक्टिफिकेशन। किसी कर्व की लेंथ फाइंड करना, इसके लिए हम फॉर्मूला बताते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, एस लेंथ ऑफ कर्व होती है, सिंबल है इसका एस, इज इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा टू बीटा अंडर रूट वन प्लस टी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर टी एक्स, वेयर वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर आपको कर्व दिया है और उसकी हमें लेंथ निकालनी है, उस कर्व की लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि क्या होता है लेंथ ऑफ कर्व्स, कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड दी पैरामीटर ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। पैरामीटर मीन्स वी लेंथ होता है। चूंकि ये एक सर्किल की इक्वेशन है, ब्रेथ और पैरामीटर आप जानते ही होंगे, परिमाप, यानी कि ब्रेथ का, या हम कहें परिधि, कुछ भी कह सकते हैं, सर्किल है तो परिधि, और पैरामीटर यानी परिमाप या लेंथ, जैसे कि आप समझ सकते हैं ये सर्किल, और यहाँ से हम ये पूरी लेंथ निकालें सर्किल की, तो ये क्या होगी, इसकी लेंथ हो गई। इसको चाहे हम पैरामीटर कह लें, है ना, चाहे हम सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, हमें इक्वेशन दी हुई है कर्व की केवल, बाकी हमें इंटीग्रल का यूज करते हुए हमें इसकी पैरामीटर फाइंड करनी है, मींस लेंथ फाइंड करनी है। इक्वेशन दी है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है, जिसकी भी इक्वेशन है, किसी भी कर्व की, नाम से कोई मतलब नहीं, कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है नाम से, कहीं ज़रूरत पड़ती है फिगर बनाने में। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो कर्व है ना, ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन्स किन किन एक्सिस को ये कट करता है। अगर ये एक्स एक्स को कट करता है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अगर ये वाई एक्सिस को कट करता है तो केवल वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और अगर ये दोनों एक्सिस को कट करता है तो फिर ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और अगर ये किसी भी एक्सिस को कट नहीं करता है तो फिर ये किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल मीन्स चार ऑप्शन है, केवल एक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या दोनों एक्सिस या किसी भी एक्सिस के लिए। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ता है, एरिया में भी देखना पड़ेगा, लेंथ में भी देखना पड़ता है पड़ेगा हमें। तो कैसे देखते हैं वो समझ लीजिए। देखिए, इफ़ वाई इक्वल टू जीरो हमने पुट किया, इसमें मान लिया हमने एक्स एक्स को कट करता है ये, तो वाई जीरो होता है, एक्स के लिए जीरो लिखा और एक्स की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई ए, इट मीन्स ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब हम वाई के लिए भी चेक कर लें, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो वाई की वैल्यू भी देखिए एग्जिस्ट है, फाइंड हो गई वाई इक्वल टू ए। तो हमने लिखा कर्व इज सिमेट्रिकल टू बोथ एक्सिस, क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट हैं हमारे पास, एक पॉइंट है एक्स के लिए ए, वाई के लिए ए, दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि सर्किल की अगर हम फिगर देखें तो इस टाइप से होगी,
ए कॉमा जीरो यहाँ कट कर रहा है और जीरो कॉमा ए, ठीक है। तो देखिए लेंथ ऑफ कर्व के लिए फार्मूला लिखा हमने, ये फोर लिखा है। फोर क्यों लिखा है? क्योंकि कर्व दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो टू से मल्टीप्लाई होती है, दोनों के होता है तो फोर से, और किसी के नहीं होता है तो मल्टीप्लाई नहीं होती किसी से, तो सिंगल आंसर आएगा। ओके, तो फोर अल्फा टू बीटा अंडर रूट वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। हमें चाहिए क्या? लिमिट चाहिए। लिमिट देखिए ये हुई, एक्स के लिए लिमिट चाहिए क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रल करेंगे। तो एक्स के लिए देखिए ए, और ओरिजिन से लेते हैं बाकी दूसरी लिमिट जीरो टू ए। डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ से आएगा? जो हमें इक्वेशन दिए क्या ये है इक्वेशन वन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। हमने फ्रॉम वन इक्वेशन का डिफरेंशियल किया, टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स सॉल्व होकर आया माइनस एक्स अपॉन वाई। सब्स्टिट्यूट करिए डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर, होल स्क्वायर किया, ठीक। आगे देखिए एज इक्वल टू फोर जीरो टू ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन वन से लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल हमें एक्स के रेस्पेक्ट करना है, तो वाई को एलिमिनेट करना है। वाई की टर्म, वाई की वैल्यू एक्स की टर्म्स में लिखनी है। लिख दीजिए, यहाँ लिखा ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, केवल ए स्क्वायर रहा, अंडर रूट से बाहर हो गए, ये रह गया। इसका इंटीग्रल आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट अप्लाई की, साइन इनवर्स ए अपॉन ए यानी वन, ये कैलकुलेशन खुद करनी है। ये आंसर टू पाई ए। तो सर्किल की सरकमफ्रेंस यही होती है टू पाई आर, आर अगर रेडियस है तब। आंसर भी वही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड होल लेंथ ऑफ एस्ट्रॉइड। कर्व दिया है एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वाई की पावर टू बाई थ्री इज इक्वल टू ए की पावर टू बाई थ्री। क्वेश्चन नंबर वन दे दिया। हमें यहाँ भी चेक करना है कि ये जो कर्व है, एस्ट्रॉइड है जिसका नाम कर्व का, वो किस एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है। क्या करें? वाई इक्वल टू जीरो लिखा है इसमें इक्वेशन में, तो एक ही आ जाएगा एक्स की पावर टू बाई थ्री इज इक्वल टू ए की पावर टू बाई थ्री। पावर से पावर कैंसिल, एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू जीरो लिखा है इसमें, तो वाई कितना आ जाएगा? जीरो प्लस वाई की टू बाई थ्री, ये टू बाई थ्री कैंसिल, वाई इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमने ये देखा कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई, तो दोनों एक्सेस के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सेस एंड क्रॉसेस द एक्सेस ए कॉमा जीरो। एक्स एक्सिस को इस पर क्रॉस करता है इस पॉइंट पर, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर। क्या करना है हमें? डिफरेंशियल करना है इसका, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो डिफरेंशियल कर सकते हैं आप, टू बाई थ्री एक्स की माइनस वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री वाई की माइनस वन बाई थ्री, डी वाई अपॉन डी एक्स इसका जीरो। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। जीरो डी वाई पॉइंट डी एक्स सॉल्व होकर आया, ये इधर ले गए माइनस का, ये इसके नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, तो पावर पॉजिटिव हो गई, कुल मिलाकर ये आ गया।
एस इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल अल्फा टू बीटा अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लिखा, 4 क्यों लिखा, रीजन पता लग गया होगा क्योंकि दोनों एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है, तो 4 टाइम्स होगा क्योंकि जो पार्ट है कर्व का वो चारों क्वाड्रेंट में होता है, एस्ट्रॉइड इस तरीके से फिगर होती है उसकी, तो जब चारों में होता है तो एक का एरिया निकलेगा, 4 टाइम्स कर देंगे उसका। डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू ये लिखी हमने, होल स्क्वायर किया इसका, ये हो गया एलसीएम लिया, ये हो गया इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से, एक्स की 2/3 प्लस वाई की 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3, अंडर रूट से बाहर निकाला, ये हुआ 4 ए की पावर 1/3 इंटीग्रल 0 to a, ये पावर ऊपर लेके माइनस की इंटीग्रल ये किया, कर सकते हैं आप एक्स की 2/3 अपॉन 2/3, लिमिट अप्लाई की 4 ए की पावर 1/3 ए यहाँ लिखा और लिमिट लिखी ए की पावर 2/3 और 0 पर 0 हो जाएगा डिवाइड बाई 2/3, तो ये 2 से 4 कैंसिल, 2 रहेगा 3 ये गया 6, ए की पावर 1/3 इंटू ए की पावर 2/3 मल्टीप्लाई होने के बाद ए ए रह गया, आंसर आया 6a।